रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय इस वीडियो में आपको सरल शब्दों के माध्यम से पूरा याद करा दिया जाएगा। और अगर आपकी लेखन शैली जीवन परिचय में बड़ी अच्छी होती है तो वो पूरा का पूरा 5 नंबर आपको एग्जामिनर ज़रूर देगा, जो आपके एग्ज़ाम में जो है 5 नंबर का ये निर्धारित किया गया है। हमारे चैनल पर बहुत सारे मतलब कि लेखक के और कवियों के जीवन परिचय कक्षा 12 जो है हिंदी के लिए बताया गया है। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो किसी भी मतलब कि लेखक का या कवि का नाम डालकर हमारे चैनल का नाम डाल दीजिए CUDP लर्निंग, आपको वो जो है वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं, रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय देखते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले जीवन परिचय में आप क्या बताओगे, आप जन्म स्थान बताओगे, जन्म का गांव का नाम बताओगे, पिता का नाम, अगर माता का नाम भी संभव होता है तो माता का नाम बताओगे, फिर थोड़ी सी इनकी प्रारंभिक शिक्षा वगैरह बताओगे और लास्ट में इनका मृत्यु बता दोगे। ये होता है जीवन परिचय। देखो, श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी में जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी में जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। एक बार फिर सुन लीजिए, श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी में जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। पिता का नाम क्या था? श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप था, मनरूप देवी था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहण की। कहाँ तक की? बीए तक की शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात इन्होंने एक माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। इसके बाद जो है बीए की शिक्षा लेने के बाद माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में इन्होंने कार्य किया। सन 1964 में ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। भागलपुर जो बिहार में एक है वहाँ पर जो है ये उस विश्वविद्यालय के कुलपति बने। 24 अप्रैल सन 1974 में इनका स्वर्गवास हो गया। तो फिर से इनके जीवन परिचय को ध्यान से समझ लेते हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी में जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात इन्होंने एक माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। सन 1964 में ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने और 24 अप्रैल 1974 में इनका स्वर्गवास हो गया। अच्छा, अब साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय का मतलब होता है इन्होंने जो है हिंदी साहित्य या साहित्य में इनका क्या योगदान रहा है, तो ये बात हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अपने राष्ट्रीय भाव से जनमानस की चेतना को नई स्फूर्ति प्रदान करने वाले राष्ट्रीय कवि दिनकर छायावादोत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तो ध्यान दीजिए, ये राष्ट्रीय कवि ये भी थे, जैसे राष्ट्र कवि आपके जो हैं कौन थे, शायद राष्ट्र कवि जैसे मैथिलीशरण गुप्त राष्ट्रीय कवि थे, तो ये भी राष्ट्रीय मतलब कि कवि ये भी थे। अपने राष्ट्रीय भाव से जनमानस की चेतना को एक नई स्फूर्ति प्रदान करने वाले राष्ट्रीय कवि दिनकर जी जो हैं वो छायावादोत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इन्हें प्रगतिवादी कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ माना गया या जाता है। दिनकर जी की काव्यात्मक प्रतिभा ने इन्हें अपार लोकप्रियता प्रदान की। जो दिनकर जी की काव्यात्मक प्रतिभा है बहुत अद्भुत थी, जिसके कारण इन्होंने अपार लोकप्रियता जो है मतलब प्राप्त की या प्रदान किया इनको जो है लोगों ने। इन्होंने सौंदर्य प्रेम, राष्ट्रीय प्रेम, लोक कल्याण आदि विषयों पर काव्य रचना की। मतलब इन्होंने किन किन विषयों पर काव्य रचना की ज़रा ध्यान देते हैं। सौंदर्य प्रेम, राष्ट्रीय प्रेम, लोक कल्याण आदि विषयों पर जो है काव्य रचना जो है की। किंतु इनकी राष्ट्रीय भाव पर आधारित कविताओं ने जनमानस को सर्वाधिक प्रभावित किया। राष्ट्रीय जो भाव पर आधारित कविताएँ हैं वो ज़्यादातर मतलब कि जनमानस को प्रभावित की हैं। दिनकर को क्रांतिकारी कवि के रूप में भी प्रतिष्ठा मिली। इन्होंने रसमरति, बहुत इम्पॉर्टेंट है, रसमरति एवं कुरुक्षेत्र जैसी रचनाओं में अपनी जिस प्रतिभा का परिचय दिया वो सदैव अविस्मरणीय रहेगा। रसमरति और कुरुक्षेत्र जैसी रचनाओं में अपनी जिस प्रतिभा का परिचय दिया वह सदैव अविस्मरणीय रहेगा।
और अंत में हम दिनकर जी की जो है प्रमुख रचनाओं की कृतियों की बात कर लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं या काव्य रचनाएं निम्न हैं: रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और रश्मरथी। ये दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध जो हैं कृतियाँ हैं। तो आपको दिनकर जी का ये जो है जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय का जो लेखन शैली मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये पसंद अगर आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम।